नमस्कार, मैं सदानंद पाल और आज मैं एक ऐसे शख्सियत से आपको मिलाने जा रहा हूँ, रूबरू कराने जा रहा हूँ, जो ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से लाखों छात्रों के बीच चहेते बने हुए हैं। ये हैं हमारे अनुज श्री संजय कुमार और दोनों कटिहार जिले से हैं। हम दोनों का गांव ऐतिहासिक गांव है और यह गांव नवाब सिराजुद्दौला उनके मौसेरे भाई नवाब शौकत जंग का बसाया हुआ है। यह मशहूर गांव है और इस गांव की पुनीता माटी से एक क्रीम या शेर निकले हैं, मैं इसे शेर ही कहूंगा। इस क्षेत्र में ये पहला यूट्यूबर है, यानी व्यक्तिगत रूप से, समूह रूप से नहीं, कुछ चैनल सामूहिक रूप से होते हैं लेकिन व्यक्तिगत रूप से ये पहले यूट्यूबर हैं जिन्होंने सिल्वर बटन हासिल किया है। इसके लिए संजय जी आपको धन्यवाद और अनुज होने के नाते मैं इन्हें आशीर्वाद भी देता हूँ कि फिलहाल इनका एम पहले 10 लाख हो, उसके बाद 20 लाख हो, फिर आगे बढ़े। इनमें शायद डायमंड तक है, उनसे भी आगे बढ़े। तो आज अवकाश का दिन था तो मैंने सोचा कि क्यों न जो है आज भेंट करूं। मेरी बड़ी इच्छा थी, प्रबल इच्छा थी, दिल से इच्छा थी यह चीज। तो कुछ संजय जी, मैं वो आपका पहले सर आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। सिल्वर बटन, अच्छा सिल्वर बटन दीजिए, क्योंकि क्योंकि जो चीज मुझे खींच लाया है जी सर, वह चीज वह चीज मैं देखना चाहता हूँ और इसे मैं चूमना भी चाहता हूँ। खैर ये COVID-19 का समय है, फिर भी जो है मेरा जो खिंचाव, ये दिल से खिंचाव इनके तरफ है। और सचमुच में आपका जो ये प्रयास रहा है ऑनलाइन क्लासेस का, आपने दिशा ऑफलाइन क्लासेस भी है जी, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस चूंकि COVID-19 के समय में जो ऑफलाइन क्लासेस बंद हुई जी सर, उसके बाद जो स्कोप ऑनलाइन क्लासेस की तरफ हुआ, तो सचमुच में उनमें आप तीर मार लिए। ये बात सही है। और ये जिले में सचमुच में ये कटिहार जिला में ये पहला व्यक्ति आप हैं, यानी कि ये व्यक्तिगत तौर पर, ये नहीं कह रहे हैं कि सामूहिक तौर पर, सामूहिक तौर पर कई सारे चैनल हैं, न्यूज चैनल है, कई सारे हैं, उनके हो सकते हैं, इसलिए हम नहीं कहते, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर यह पहला व्यक्ति है और ये गांव की सुगंध है, इनमें गांव की सुगंध आती है। और आपके लाखों, 1 लाख लिखा हुआ है इसमें, लाखों स्टूडेंट का प्यार है इनमें आप। तो मैं अपना परिचय अपने से नहीं दूंगा, हम सोचे मैं अपना परिचय मेरा अनुज देगा जी, बिल्कुल लीजिए। और जो है मेरी आधी दर्जन किताब आई है जी, लेकिन ये किताब कुछ अनोखी है, लव इन डार्विन जी, जी। मैं सोचता हूँ कि यह किताब जो है आपको मैं भेंट करता हूँ जी, बहुत ये बहुत किताब बहुत। एक सेक्स वर्कर की कहानी है जी, जी। जो बहुत आगे चलकर जो है अंतरिक्ष यात्री कैसे बनती है, अच्छा। इस बीच में भारत में जो भी राजनीतिक घटनाक्रम होता है उसमें जो करप्शन होता है जी, जी। उस करप्शन दूर कैसे होता है, और वह व्यक्ति ये जो इसमें मोनालिसा एक पात्र है, वे जो है मोना जो एक पात्र है, वे जो है किस तरह से सोनागाछी कोलकाता का जो सेक्स वर्कर क्षेत्र है वहां से उठकर किस तरह से अंतरिक्ष यात्री बनती है, अच्छा। तो वह उन बच्चों के लिए कहानी है जो ये कहता है हमेशा मैं गरीब हूँ, जो हालात के सामने मजबूर, हाँ, जो मजबूर है और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, उनके लिए ये सचमुच में एक सुखद घटना है कि कोई भी व्यक्ति, अनुपम खेर हमेशा कहते हैं, फिल्म अभिनेता अनुपम खेर जिन्होंने 500 से अधिक फिल्में बनाई, वो हमेशा कहते हैं, क्या कहते हैं कि असंभव कुछ नहीं है। ये पहले भी कहते थे नेपोलियन बोनापार्ट, ये असंभव शब्द मेरे डिक्शनरी में नहीं है। तो संजय जी, चूंकि मैं आपसे भी काफी कुछ जानने आया हूँ, तो आप बताइए आपकी संघर्ष गाथा यहाँ तक पहुँचने का जो यात्रा है आपका। बिल्कुल सर, पहले तो जहाँ तक हम आपके बारे में जानते हैं बताते हैं, ठीक है, ज्यादा तो हमें पता नहीं है,
मतलब कि सर जो है मेरे गांव के हैं, ठीक है, लेकिन सर इतने अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं, मतलब कि लेखन कार्य में इतने व्यस्त रहते हैं, है ना, अध्यापन कार्य में, कि मतलब आप मतलब मामूली तौर पर इधर उधर सर को देख ही नहीं पाओगे, है ना। हमने कभी देखे ही नहीं आज तक। एक बार मुझे पता चला कि मतलब सर इतने मतलब अच्छे हैं, इनकी बहुत सारी पुस्तकें भी है, दीदी भी है यानी सर की बहन, वो भी मतलब कि अच्छे लेखन करती हैं, तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा जान करके। तो एक बार हम मिलने भी गए थे सर से, आज से बहुत दिन पहले, वो से मेरे चहन पर सर मेरे कभी 10,000 सर हुए थे ना, हाँ 10,000 सर से आए उस समय मेरे चहन पर थे, तो फिर मिले थे। और इस बार भी हमने सर से वादा किया था कि सर हम आपके पास ज़रूर आएंगे, लेकिन अभी थोड़ा तो सा कुछ व्यस्तता के कारण हम नहीं आ पाए। तो सर का तो पहले बहुत बहुत हम आभार करते हैं कि सर मेरे पास आए मुझसे मिलने के लिए, है ना। तो अभी तो हम हाथ मिलाने योग्य नहीं है, तो हम पैर छूकर ही ठीक है ना, क्योंकि तब की एज के अनुसार से तो अभी हम हाथ मिलाने योग्य नहीं हुए, और ना ही ज्ञान के आधार पर। हालांकि 1 लाख के स्टूडेंट्स हो गए वो अलग बात है, ठीक है ना, मतलब लेकिन ज्ञान के आधार पर भी हम उस योग्य भी नहीं है, ठीक है। तो मतलब कि अब देखिए सर क्या क्या पूछते हैं हमसे, तो हम बताते हैं आप लोगों को कि सर आप पूछ सकते हैं आप। तो आपका जो ये यात्रा शुरू हुई है, और रुकिए सर एक सेकंड, मेरे ख्याल से बहुत सारे मतलब बिहार के जितने भी मतलब रिकॉर्ड्स होते हैं लेखन के लिए, मतलब बहुत सारे रिकॉर्ड में सर का नाम है, डॉक्टर सदानंद पाल नाम है ना, और गिनीज बुक में भी शायद हमने नाम देखा है ना, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में। हाँ, तो गिनीज बुक नेट पर आया था ना, तो गिनीज बुक जो होता है मेरे ख्याल से पूरा वर्ल्ड में जो रिकॉर्ड बनता है उसमें भी सर का नाम है, और घर के मतलब सर का ही नहीं, सर के घर के एक दो व्यक्ति का और भी नाम, लिम्का बुक में भी नाम है, ठीक है। मतलब कि सोच से भी परे हो सकता है, आप सोचोगे सर मतलब कि मतलब ये क्या है, तो हो सकता है अगर मुझे ऐसा हुआ तो इसका है ना स्क्रीन शॉट लगा करके हम टेलीग्राम पर मतलब फोटो खींच के हम डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। और मेरा ये अनुज को आशीष है जी सर, कि आप इतने सारे सब्सक्राइब बढ़ाइए जी जी, आप छात्रों से मेरा ये गुजारिश है कि इतने सारे छात्र इनमें शामिल हो जी सर, कि संजय जी भी हैं वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी तक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो यूट्यूब में शामिल है जी जी, वह शायद 50 करोड़ सब्सक्राइब का है, और आपको संदीप माहेश्वरी मोटिवेट स्पीकर जो उनका भी शामिल है। तो मैं मेरी ये दिल से सचमुच में इच्छा है कि आप उनका रिकॉर्ड तोड़ें और आपका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो, ऐसा हमेशा प्रयास करेंगे हम लोग, पूरा जी जान से लगाएंगे। तो सबसे पहले आपका शून्य से जो शिखर तक पहुंचे आप जी जी, तो ये बताइए दिशा से तात्पर्य क्या है, दिशा का आशय क्या है। देखिए सर हम दिशा ज्ञान की दिशा देना जी जी, या जैसे कि आपकी माँ का नाम है दिशा, या मतलब जो कुछ है दिशा। अच्छा दिशा जो बहुत लोग पूछते भी हैं हमसे दिशा के। देखिए दिशा जो हमने सोचा ये किसी भी फैमिली में मेरे किसी का नाम नहीं है, ठीक है, ना तो मैंने किसी का नाम सोचा है, भविष्य में भी किसी का नाम होगा ऐसा कुछ नहीं है। तो दिशा हम तो हम ऐसे बैठ करके सोच रहे थे कि मतलब कोचिंग का नाम क्या रखे, तो फिर मैंने एक बार फिर सोचा कि मतलब कि अपने खुद के नाम पर रख देते हैं। तो फिर मन में नहीं, जब हम बच्चों को एक अच्छी सा ना डायरेक्शन, अच्छा डायरेक्शन देना है, जो बच्चे मतलब ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं, अच्छा कहीं पर जाते हैं पढ़ने, अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, तो हम सोचते हैं हम उसे एक अच्छी दिशा दें, उसी के आधार पर उसका नाम दिशा रखे थे, एज अ डायरेक्शन, मतलब अच्छा डायरेक्शन होना चाहिए, निर्देश निर्देश के तौर पर। मतलब वो दिशा जो है, हाँ हाँ, कुल कितनी 10 दिशाएं। हाँ 10 दिशाएं, और आपकी प्रतिभा जो है 10 दिशा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, 4 दिशा है, हाँ हाँ, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम, फिर चार जो न्यूज न्यूज जो होती है, NEWS, तो N से नॉर्थ, E से ईस्ट, W से वेस्ट, S से साउथ, इसके अलावा कोण जो है 4 कोण, और उनके बाद आकाश और पताल, ये जो 10 दिशा है, 10 दिशा तक आपका सूर्य भी बिखरे। और जब आपने सबसे पहले दिशा ऑफलाइन ऑफलाइन क्लासेस शुरू किए, ऑफलाइन मतलब उस समय जब जैसे मैट्रिक पास करने का, अभी बहुत सारे बच्चों के पास मतलब कोई काम नहीं होता है, और मतलब कि अपना पढ़ रहे लेकिन लगता है ना कि पढ़ाई में जितना हम टाइम दे रहे हैं उसके बाद भी बहुत सारा टाइम बच रहा है। तो मतलब जब हम इंटर में पढ़ते थे, इंटर की बात करते हैं, जब हम इंटर में पढ़ते थे उसी समय मतलब थोड़ा सा पैसा का भी प्रॉब्लम, तो पैसा का भी प्रॉब्लम था, और बहुत प्रबल इच्छा थी कि मतलब बच्चों को हम कुछ बताएं, तो जैसे गांव के बच्चे पढ़ते थे ना, तो हम कहते थे कि यह ना भैया आप ही मैथ बता दीजिए, जब कुछ तो हम जाके बना लेते ना, तो बोलते थे सर से आप अच्छा समझा देते हैं, तो ठीक है ना। तो आपको ये कहा जाए कि आप सबसे कम उम्र के यहाँ पर अध्यापक जी, अपने क्षेत्र में तो कम उम्र के बता रहे। हाँ आपने कुछ देर पहले कहा कि मेरी इस स्नातक की परीक्षा भी है फाइनल, तो इसका मतलब जब से आपने शुरुआत जी जी जी, तो ये समझिए कि आपने मैट्रिक से एक आधार बनाया। हाँ बिल्कुल, इंटर से हाँ स्टार्ट, आपने इंटर में हम बताना चाहते हैं, जब तक इंटर में जिस हम फाइनल एग्जाम देते 12 का, उस समय मेरे स्टूडेंट मैट्रिक का दे देते, मुझे अपना कोई चिंता नहीं था,
हमको पता था हम पास करेंगे, अच्छा नंबर से पास करेंगे, हम ये सोचते बस मेरे बच्चे जो भी हम पढ़ाएं वो पास कर जाए, तो इस बात का हमको डर। हमारे जो अभूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता संभवतः आप जैसों के ही संदर्भ में है कि मेरे प्रभु मुझे उतनी ऊंचाई कभी मत देना कि गैरों के गले न लगा सकूं, उतनी रुखाई कभी मत देना कि अपनों को अपना न सकूं, क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर पेड़ नहीं लगते, पौधे नहीं जमते, वहाँ जमती है सिर्फ बर्फ जो कफन की तरह सफ़ेद और मौत की तरह ठंडी होती है। तो इनका कहने का मतलब ये कि इतनी ऊंचाई, काफ़ी ऊंचाई हम जाएंगे लेकिन उस ऊंचाई के बीच अहम नहीं करना है। और हमारा जो वेद का शब्द है, सूक्त है, चरैवेति चरैवेति, चलते रहना है, चलते रहना है। और हम जिस गांव से हैं उस गांव से आप भी हैं, आपका संभवतः ये ननिहाल क्षेत्र है। जी बिल्कुल। और मैं उस तरफ पारिवारिक पृष्ठभूमि की तरफ हम नहीं जाना चाहते हैं, दोनों हम दोनों जो है शून्य से शिखर की तरफ आए हैं। और जहाँ से हमने शुरुआत किया, संभवतः अमिताभ बच्चन की किसी फिल्म का एक डायलॉग है, मैं जहाँ से खड़ा हुआ वहीं से शुरू हो गया। तो आप जहाँ से हैं वहाँ से ही शुरू रखिए, और पूरे अपने एरिया ही नहीं, इनकी शुरू भी जो है आप संसार भर में बिखेरिए। और हिंदी, जिस तरह से हिंदी का अध्यापन है, हिंदी और माध्यम है आपका, हिंदी माध्यम से आप इतना अच्छा बताती हैं और हमें अच्छा लगता है। जब कहते हैं प्यारे बच्चों तो हम भी एक चौंक बजाते हैं। हम जब आपका वीडियो देखते हैं प्यारे बच्चों, हमको लगता है चलिए हम भी बच्चे हो गए। जी जी, क्योंकि जो मतलब कुछ लोग होता है ना कि वो अपने आप को ये समझता है कि हर कोई वीडियो देखे, हमको पता है कि मेरे जब 10th क्लास के बच्चे देखे तो बच्चे ही मेरे सामने। नहीं, ये एक संबोधन हुआ, ये एक अंदाज है। जी जी। और अगर वो संबोधन नहीं हो जी जी, तो पढ़ाने का जो रिदम है सबका अलग अलग। जी जी जी, सब जैसे कोई तुम करके पढ़ाते हैं, कोई आप करके पढ़ाते हैं, कई तरह का है। जी जी। और जब हम नवाबगंज हाई स्कूल में पढ़ते थे तो रमाकांत सर वो सबको आप करके पढ़ाते, यहीं पर पाठक सर हिंदी बोली पढ़ाते थे वो आप करके पढ़ाते। तो पढ़ने का सबका अलग अलग है। जी सर, जी सर। और कभी कभी बच्चे जो है उनको इतना सम्मान देने से कभी कभी तुरंत बोले ना कि इतना गर्व हो जाए, अभिमान हो जाए, तो खुल जाते हैं। जी। खुलने के बाद भ्रष्ट करने की संभावना रहती है। तो इसलिए उसको तुम नामक चाबुक से भी कसना पड़ता है। हाँ, कभी 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 कभी। जी सर। तो आप जो सामान्यतः खाना वगैरह जो है आप शाकाहारी हैं सर? क्योंकि कई बार हम ये यूट्यूब आपका देखते हुए वाच किए हैं कि आप शाकाहारी हैं, मैं भी शाकाहारी हूँ। बहुत बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि इनमें जो है साख भाजी में काफी ताकत है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा है। एक बॉक्सर मोहम्मद अली, जो कैसियस कले, कैसियस कले से नाम परिवर्तन मोहम्मद अली, कहा जाता है कि वे भी शाकाहारी थे, बॉक्सिंग की दुनिया में पहला वो चैंपियन थे कैसियस कले, मोहम्मद अली जो शाकाहारी थे। तो ये पहली मुलाकात जो है, और मेरा ख्याल है कि इस मुलाकात में आपको, आपका भी समय आपके पास अभी नहीं है भाई, तो आप फिर हम कभी आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छा है। तो हम अपने लोगों को कुछ कह देते हैं, है ना? तो हाँ, तो नमस्कार। आप लोग ये जो आप लोग देख रहे थे, ऐसे साधारणता लग रहे हैं सर आपको, ठीक है, लेकिन साधारण बिल्कुल भी नहीं है। और आप लोग जब हमसे मिलने आएंगे कभी, तो अगर आप लोग बहुत ज़्यादा जिद करें तो हम लेके जाएंगे आपको, ठीक है ना, सर के पास बहुत ज़्यादा थी है। लेकिन सर का एक है ना YouTube चैनल अभी स्टार्ट हो रहा है नया, ठीक है, हम ही बहुत बार कह रहे थे सर कर दीजिए कर दीजिए कर दीजिए, सर तो करना ही नहीं चाहते। एक सर का नया YouTube चैनल है, तो नीचे लिंक हम दे देते हैं, आप लोग जाकर एक बार देख लीजिएगा, जहाँ पर आपको ऐसा नहीं कि कोई सॉन्ग सुनने को मिले, ऐसा नहीं, अच्छी अच्छी कविताएँ मिलेगी, अच्छी अच्छी चीज़ सीखने की मिलेगी। तो आप लोग जरूर जाएं। इधर सर ने सर इधर जो अटकू बनाए थे, क्या बनाए थे वो, क्या था? अटकू इधर तीन हम पहली बनाए, गणित पहली। तीन पहली बनाए। तो चूंकि लॉकडाउन में समय मिला, जी जी, समय मिलने के बाद कुछ गणित में अन्वेषण करते हैं, जी जी, कुछ भी करते हैं। और हम तो ऐसे पाई का बगैर मान भी मतलब के आधार पर जो है मैथमेटिक्स सॉल्व किए हैं। तो हम आते हैं गणित पहली पर। जी सर। तो तीन गणित पहली बनाए, एक सदानंद को पहला, हम जो अखबार में सुडोकू बनाते हैं जी जी, तो उसमें ग्रिड जो है 1 से लेकर 9 तक रहती है, जी जी, लेकिन मैंने 1 से लेकर 81 ग्रिड तक बनाया है, जो संसार का सबसे बड़ा है। हाँ। और ये RHRUK एक रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड्स होल्डर रिपब्लिक लंदन का है। हाँ। उनमें जगह मिली है। हाँ। दूसरा
दूसरा जो बना है अटकू, जी सर, अटकू में एक सीरीज बनाए हम, एक से लेकर आठ अंकों का सीरीज है उसमें, जी सर, और उन्हें 6001 तरीके से बनाए हम, उनमें हम ये पुरस्कार दिए कि 6002 से लेकर आगे जितना कोई बनाएगा उन्हें पर व्यक्ति को 7000 राशि जो इनाम लेंगे। अच्छा, 6001 तक नहीं, एक से लेकर 6001 जो बनाए वहाँ तक नहीं, हाँ 6002 से लेकर आगे जितना कोई बढ़ेगा बना देगा, हाँ उतना हमें बांट देंगे। अच्छा, 2022 को मेरे पिताजी का जन्मदिवस था, 76वां, उनका भी तो नाम हम देंगे, उन्हीं के उसी दिन जो है ये गणित पहेली उन्हें मैंने गिफ्ट के तौर पर दिया, उनका नाम मैं कैपिटेन रखा, कैपिटेन कैसे मतलब काली प्रसाद, पी से बहुत, और 10 मतलब है 10 जनवरी। तो उनमें क्या विशेषता है, एक से लेकर 100 तक कॉलम, और ये 10 जो है, 10 ये जो क्या कहते क्षैतिज है, और 10 जो है उदग्रह, तो उनमें दो कॉलम जो है जिनका योग इस तरह लिखना है कि 10-10 हो, प्रत्येक दो कॉलम 10-10 हो, चाहे आरे तिरछे हो 10-10 हो, ये विशेषता। हाँ, ये गणित के इतिहास में एकमात्र ऐसी पहेली है वो 10-10 का, ये इसलिए कैपिटेन में 10 ये भी आ जाता है। वही तो हम कभी भी कहते हैं दोस्तों, हमको कहते हुए मतलब विश्वास नहीं होता है कि वो विलक्षण। और मेरी एक जब मैं 98 में जो है जब पटना रहता था तो एक हम सदानंद पाल की गणित डायरी प्रकाशित किए थे, जिनमें एक गणित को मैंने 5124 तरीके से बनाया, कुल 1700 से अधिक फॉर्मूला सब है उन्हीं में है कि पाई मान के बगैर भी मैंने हल किया है। अच्छा, अजीब चीज है, अजीब चीज है, तो कई चीज है। और 10000 से ऊपर मेरी रचनाएं जो है कविता कहानी और सब जो है वचन भी है, तो इसमें परिचय में मैंने दिया है। सभी छात्रों को मेरा यही कहना है, तो संजय जी का आपके जो शिक्षक है उन्हें जो है आपको हर तरह से, दिल से भी हो, दिमाग से भी हो, तन मन धन से हो, हर तरह से जो है सहयोग करना। अगर सहयोग करने से क्या होता है कि ये इनकी जो प्रतिभा ये खूब आगे जाए। मैं कहते कहते भावुक हो गया हूँ। और संजय जी आपको बहुत सारा उपलब्धि हासिल हो। जी सर, हम एक बार कह देते हैं, आप लोग ना मतलब जो हम सर का लिंक नीचे देते हैं चैनल का, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा सब लोग, ठीक है ना, ताकि इनसे देखिए, ऐसा नहीं कि सर को कोई है ना यूट्यूबर नहीं बनना, ऐसा नहीं कि हम लोग की तरह यूट्यूबर बनना, ऐसा नहीं है, लेकिन मोटिवेट करते हैं, बस मोटिवेट करते हैं सर, है ना, इनका कोई भी मोटिव नहीं होता कि हमको यूट्यूबर बनाना है, फेमस होना है, पैसा वैसा सब कुछ नहीं है, ठीक है। तो बस आप लोग जाकर के देखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि हमसे प्यार है तो सर से भी जरूर प्यार होगा, क्योंकि देखने में बहुत अच्छा लगता है। हम खुद सब्सक्राइब करके रखें और हम हर वीडियो देखते हैं, आप लोग भी प्लीज देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और आप लोग मुझे जरूर बताइए ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारे दोनों के बीच के जो संवाद है आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है ना। और एक बार आप आशीर्वाद दीजिए मेरे सभी बच्चों को, है ना, कि आपका आशीर्वाद जरूर लगे, मुझे पता है, या सभी बच्चों का आशीर्वाद दे दीजिए, ठीक है ना, ताकि जीवन में कुछ अच्छा। संजय जी की भाषा में मैं कहता हूँ, मेरे प्यारे बच्चों, और आप भी जो है संजय जी की तरह दिन दुनी रात चौगुनी, और एक मनुष्य होकर जो है, एक मनुष्य को जितने सारे आशीर्वाद देना होता है, हम चाहे मन से हो दिमाग से हो, मैं यही कहना चाहता हूँ, आप सब जो है सर का जो है दिशा ऑनलाइन क्लासेस, उनके जितने सारे वीडियोज हैं, जितने सारे क्लास हैं, उसमें जितने सारे ये बताते हैं, सूत्र बताते हैं, अब जैसे वो डॉक्टर सगीर अहमद का, जैसे कि आपका जो ट्रिक है, इनके भी जो है संजय जी का भी ट्रिक अद्भुत सब है, उन्हें अपनाइए। और ये ट्रिक केवल कैरियर के ही नहीं, जीवन के अमूल्य निधि में भी अपनाइए, और तभी आप बहुत आगे बढ़ पाइएगा, यही कहना है। शुक्रिया, धन्यवाद, शुक्रिया, शुक्रिया।